राजेश खन्ना अब हमारे बीच में नहीं रहे। हमने राजेश खन्ना की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, उनकी स्टारडम की कहानियाँ सुनी है, लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने राजेश खन्ना को उभरते हुए देखा है, जब वो कुछ नहीं थे तब से सुपरस्टार तक। हमारे साथ है मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपने राजेश खन्ना का पूरा सफर देखा है, आज आप उन्हें कैसे याद करते हैं? पहले तो ये विश्वास नहीं होता कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हकीकत कड़वी होती है, उसको मानना पड़ता है। और इंसान की फितरत है कि वो असलियत को धीरे 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 मानता है। राजेश खन्ना जी 1966 में को 8-10 प्रोड्यूसर, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एक संस्था थी, उन्होंने उनको साइन किया हुआ था। तो मुझे मेरे असिस्टेंट ने मिलाया था, मुझे वो बहुत अच्छे लगे और मैंने उस वक्त फिल्म उपकार बनानी थी। मैंने कहा ये छोटे भाई के लिए बहुत अच्छे हैं, आवाज़ अच्छी है, स्टेज का भी एक्सपीरियंस है और मुझे अपने आप पे भी विश्वास था कि मैं नए आदमी से काम ले सकता हूँ। कुछ मेरा अनुभव फिल्म शहीद से था, जिससे कुछ कॉन्फिडेंस था। तो 3-4 महीने वो बड़े प्यार से मोहब्बत से मेरे घर में आते रहे, बिल्कुल जैसे परिवार का सदस्य होता है। बाहर कोई अच्छी फिल्म लगी हो, जाना हो तो साथ जाते थे। तो शूटिंग से पहले मेरी फिल्म की फेमस तारदेव में रिकॉर्डिंग थी और वो बड़ा मशहूर गीत है, अमर गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसकी रिकॉर्डिंग में वो मेरे साथ सुबह 9 बजे से लेकर रात के सुबह 4 बजे तक थे। ये उसी की फोटो है? जी हाँ, ये जो फोटोग्राफ है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं जी, वो थे भी नहीं। हाँ, फिल्म का सेट राजकमल स्टूडियो में लगा हुआ था। तो एक दिन उस वासो आए, बैठे, मैंने कहा क्या बात है, सुबह सुबह आए। रो के फूटे तो नहीं, मगर आंखों में आंसू भरे हुए और एकदम ट्रेम्बल कर रहे। मैंने कहा राजेश क्या हुआ, काका बोलता था, काका क्या हुआ? तो गुस्से में उन्होंने उन 10 प्रोड्यूसर्स को बहुत गालियाँ दी। मैंने कहा यार क्यों गालियाँ दे रहे हो, ये तो सब नामचीन आदमी है। कहने लगे साहब उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर काम नहीं कर सकते, ये मेरा एग्रीमेंट है। मैंने कहा फिल्म लाइन में लिखित एग्रीमेंट हो या ना हो, जबान का भी है वो पास रखना चाहिए। अगर वो नहीं इजाजत देते तो ये दुर्भाग्य की बात है। कह रहे सर मैंने शहीद देखी है आपकी, वो और फिल्में देखी हैं, मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा भगवान फिर मौका देगा। मतलब आपने उनको साइन किया था अपनी फिल्म के लिए? एग्रीमेंट किया था कुछ? एग्रीमेंट भी किया था, और एग्रीमेंट से ज़्यादा हमारे यहाँ वर्बल कमिटमेंट के एक बार मुंह जमाने में बात हो जाए तो वो। ये कौन सी फिल्म थी? फिल्म उपकार थी जी।
तो अब मैंने उनसे अच्छी तरह बात की, मैंने कहा कि हौसला नहीं छोड़ते, कहेंगे लेकिन आपका सेट लगा हुआ है, मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा यार चिंता मत करो, मुझे ईश्वर पे पूरा विश्वास है कि जो यहाँ तक मुझे ले आया है ये समस्या भी हल हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि मेरा सेट लगा हुआ है, किसको लूँ किसको नहीं लूँ। औरतों ने बहुत सी बातें की, किसको ले लीजिए उसको ले लीजिए। मैं चुपके से अपने कमरे में लेट गया। मैंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने साथ में काम भी किया है, शहीद में भी किया है, डॉक्टर विद्या में भी किया है, वो कौन सी में भी किया है, अभी उनका कुछ जगह कायम नहीं हुई। तो उनका नाम था फिर प्रेम चोपड़ा, था क्या है। मैंने फ़ोन किया, मैं प्रेम क्या कर रहे हो, कहने कुछ नहीं, मैं कहा जरा घर आ जाओ। तो आधे पौने घंटे बाद घर आए और मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने उनसे बोला प्रेम ऐसी ऐसी बात थी, और कहने नहीं भाई मेरे मैं करूँगा, कहने की मेरे तो इससे ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने कहा खैर ज़िंदगी बनती है नहीं बनती वो बात अलग है। मैंने उनको कहानी का आइडिया सुनाया, रोल सुनाया, और हमने फिल्म की शूटिंग का गणेश आयनवा कर दिया। लेकिन उसके बाद राजेश जी फिल्मों में काम करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता सफलता प्राप्त करते रहे। फिर एक जगह होती है जब आप प्रथम पायदान की तरफ पांव रखते हैं, तो उनका ऐसा जादू चला कि फर्स्ट टाइम मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस वक्त था नहीं, प्रेस थी, स्क्रीन, फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, तो एक नया शब्द सुपरस्टार पढ़ के अच्छा लगा। राजीव ने प्रथम सुपरस्टार माना जाता है।